हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ दिलाव शेख और ये व्लॉग है जी अबाउट राइडिंग। और आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम मैं आ चुका हूँ आज अपने टीचर से मिलने, जिन्होंने मुझे राइडिंग सिखाई थी। और आज बहुत टाइमों बाद मैं अपनी जो है वो याद जो है दोबारा से ताज़ा करूँगा राइडिंग करके, और साथ साथ आपको दिखाता हूँ कि अभी हम क्या जो है वो करते हैं। एज़ यू गाइज कैन सी कि यहाँ पर दूर दूर तक सारे हॉर्सेज ही हॉर्सेज हैं, और ये मलिक अरसलान साहब का डेरा है, और ये हैं जी मेरे राइडिंग टीचर। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हर नस्ल का घोड़ा है और एक से एक खूबसूरत घोड़ा है यहाँ पे। ये दूर तक जहाँ तक हम जाएंगे ना, ये सारे आपको घोड़े ही घोड़े नज़र आएंगे। आज से 3 साल पहले इस घोड़े पे सवारी की थी, आज भी याद है। और ये जो फर्स्ट पे खड़ा है, इस पे मैंने ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट की थी। और अब जी यहाँ पे मेरी सवारी के लिए जो है वो काठी फाइनल होगी। मैं चाह रहे ना इस पे होगी जी आज सवारी। ये बड़ी बेहतरीन जा भी खुली अंदर। तेरा पक्की बने हो सट्टी ने उनके पता बात करे इसको जी है। अब जो है वो अब इस पे काठी वगैरह सारी जो है ना बांध दी है, साथ ये भी घोड़ा तैयार हो रहा है, एक वो आगे तैयार हो रहा है। अब हम सब लोग मिलके राइडिंग करेंगे इस पे। ओ एक तो घोड़ा है पाचे वाला काला।
ने अपनी राइडिंग ख़त्म कर दी है और ये यहाँ पे सारी जो है वो घोड़ियाँ वगैरह भी अब आ गई हैं एज़ यू गाइस कैन सी, जिसकी वजह से अब हम इसको इसके किले पे बांधेंगे और ये सारे घोड़े अब बेकाबू हो चुके हैं एज यू गाइज नो द रीज़न। और यहाँ पे सारी की सारी घोड़ियाँ जो है वो वापसी की तरफ भाग रही हैं क्योंकि गेट बंद था, तो अब जो है वो गेट खोला जा रहा है। और यहाँ पे इसकी काठी उतारी जा रही है अब। फार्म की अंदर साइड के कुछ मंजर हैं, यहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो घोड़े बांधे जाते हैं। मैंने भी जिस पे सवारी की उसको उसकी जगह पे ला के बांध दिया गया है। ये सामने सारे घोड़े हैं, यहाँ पे सब घोड़े होंगे। और ये सारा सेटअप है जहाँ पे घोड़ियों को बस बांधा नहीं जाता है, इनको ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे सारी घोड़ियाँ होती हैं और उधर अंदर भी सारी घोड़ियाँ हैं। यहाँ पे इनके पानी पीने की जगह, एज यू गाइस कैन सी कि व्यू कितना खूबसूरत है।